तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। एंड गाइस, आज मैं आपको क्लास 11 का, ठीक है, राजनीति विज्ञान के यानी कि पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। और इस सैंपल पेपर में मैं आपको केवल क्वेश्चन ही बताऊँगा, इसके आंसर की वीडियो फिर कभी बनाऊँगा, ठीक है। तो इसकी वीडियो मैं शायद ही बना पाऊँ क्योंकि कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से मुझे ऑफलाइन जाना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, लेकिन मैं मोस्टली आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसकी टाइमिंग 3 घंटे की और मार्क्स वेटेज 100 है, ठीक है। तो यही एक ऐसा पेपर होता है जिसमें बच्चे 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन पर शुरुआत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के संविधान से कौन से 2 प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं। द्विसदनात्मक विधायिका से क्या अभिप्राय है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। राजनीतिक शब्द से आप क्या समझते हैं। कार्यपालिका क्या है। लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली क्यों है। नीति निर्देशक तत्व तो क्यों महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं। राष्ट्रपति की 2 शक्तियाँ कौन सी। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन हैं कि अमेरिका के संविधान से कौन से 2 प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं और द्विसदनात्मक विधायिका क्या होती है, ठीक है। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है और राजनीति से आपका क्या अभिप्राय है और कार्यपालिका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 7-8 हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण क्यों हैं और चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं। वही चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव की घोषणा करना और क्या। राष्ट्रपति की 2 से शक्तियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की फास्ट पास्ट द पोस्ट क्या है, ये चुनावी प्रणाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मांचल लालुंग को किस अधिकार से वंचित रखा गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका के विषय में बताएं। 2 प्रकार की कार्यपालिका हैं या 4 प्रकार की हैं वो सभी बतानी है। फिर है 12, नेपाल को नया संविधान बनाने में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, यानी नेपाल का संविधान कैसे बना और उसमें क्या मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ा। 15, स्थायी नौकरशाही से क्या समझते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। 16, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन करना है, वो भी ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन करना है। अब आता है कार्टून से संबंधित प्रश्न। तो कार्टून जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए, ये कार्टून हमेशा ही आता है। तो पहले कि नेताजी चुनाव से क्यों डरते हैं, फिर दूसरा ये आचार संहिता किसे कहते हैं। तो ये कार्टून देखिए और इस पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें देखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे में ये तस्वीर दी गई है, ठीक है, और उसी के आधार पर ये आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि सरकार से विरोध दर्ज करने का आम तरीका है। सदन से वॉकआउट करना, क्या काम जरूरत से ज़्यादा हुआ है, अपने विचार बताएं। प्रश्नकाल क्या है और ये क्या है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अनुच्छेद को पढ़कर, ठीक है। तो अनुच्छेद जो है वो ये है और इसको पढ़कर आपको, यानी कि स्रोत की तरह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन स्रोत की तरह हैं और 3 क्वेश्चन में आपको ये तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 5-5 नंबर के हैं ये और ऐसे ही आगे आपका 20वां है, ठीक है। ये जो है वो 5-5 के या 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। अब आता है आपका 6-6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला है, भारत में संसद के कार्यों का उल्लेख करें। तो दोस्तों, ये संसद के कार्य सभी को पता होगा, ठीक है। राष्ट्रीय नियंत्रण के कोई 3 आयामों का वर्णन कीजिए, ये भी पता होगा। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से बताएं, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है आपको वो बताना है। या फिर आप ये बता सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ तथा स्थिति की विवेचना करें, जो भी है आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। संविधान क्या है सभी को पता है, आवश्यकता क्यों होती है ये भी पता ही होगा, आई होप सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। फिर है, उन पहलुओं का विश्लेषण करें जो भारतीय संविधान को एक प्रभावी संविधान के रूप में दर्शाते हैं, यानी भारत का संविधान एक प्रभावी संविधान है, आप ये कैसे कह सकते हैं वो बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 कि बिल कानून का रूप में कैसे परिवर्तित हुआ। बिल कानून होता है उसका बिल कानून का रूप में परिवर्तित कैसे हुआ, जो बिल है वो कानून रूप में कैसे परिवर्तित हुआ, वो ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, कानून की प्रक्रिया में संसदीय समितियों का क्या योगदान है, कानून की प्रक्रिया में संसदीय समितियों का क्या योगदान है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में
क्या संबंध होता है, किन्हीं तीन मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। ठीक है, तो या संबंध बताइए या फिर अधिकारों का वर्णन कीजिए, दोनों आसान है। भारत में पंचायती राज के संगठन की व्याख्या करें, यह आपके स्थानीय शासन वाले संस्थे हैं। ठीक है, भारत में नगर पालिकाओं की गठन शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना करें। ठीक है, तो पंचायत में, भारत में पंचायती राज के संगठन की व्याख्या और भारत में नगर पालिकाओं के गठन शक्तियों कार्यों की विवेचना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ईजी है अगर आपने अपनी पहली बुक और दूसरी बुक अच्छे से पढ़ी हुई है तो। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम के बहुत ही दिन अब कम हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं February 2019 में बना रहा हूँ, तो सभी के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। तो गाइस लग जाइए पढ़ने में आप सभी लोग। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन पेपर था इसका, पॉलिटिकल साइंस का। तो आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। और तो चलिए मिलते हैं नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई और एक्साइटिंग वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एंड दिस टाइम आई एम जस्ट स्मार्ट नॉलेज साइनिंग ऑफ।